اللهم صل على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات الله على محمد وعلى اله. खुदावंद आलम उन बस्तियों को आबाद रखे जहां जिक्र फजंद रसूल मुनक्किद होता। खुदावंद करीम हर उस मुसलमान के घर को आबाद रखे जिसे अपने नबी से प्यार है और नबी के प्यारे हुसैन से प्यार है। ये मजलिसे, ये जुलूस, ये मातम, ये हमारा सड़कों पे आ जाना कातिलों की हिमायत नहीं है, मकतूल की हिमायत, जालिमों की हिमायत नहीं है, मजलूम की हिमायत। और पूरी कायनात में अगर बड़ी तवज्जो से ही मेरा पहला फिक्र सुनिएगा और इसी में मेरी सारी तकरीर है, पूरी कायनात में अगर कहीं भी कत्ल हो जाए तो तीन सवाल उठते हैं। कहीं भी कत्ल हो खुदा न खास्ता, सवाल तीन उठते हैं। पहला सवाल, कौन कत्ल हुआ? दूसरा सवाल, किसने कत्ल किया? तीसरा सवाल, दुश्मनी की वजह क्या थी? इन तीन सवालों के लिए हम रोड पे आते हैं, इन तीन सवालों के लिए हम मातम करते हैं। पहले सवाल का जवाब, हुसैन का तुम, हुसैन कौन था? हजूर का बेटा, पैगंबर का बेटा, नबी का बेटा। अब जहनों में सवाल आएगा सादे मुसलमानों के, नहीं जी वो तो हजूर की बेटी के बेटे थे और नवासे थे, मुझे इससे इनकार बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं कुरान की आयत पढ़ने लगा। ये रिवायत नहीं है, कुरान की आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई हाफिज़े कुरान तो सही फरमा, फमन हाज्जक फी मिन बाद मा जाक मिन अल-इल्म فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين। हबीब, अगर ये ईसाई तेरी बात को सच्चा नहीं मानते तो आप इनसे कह दीजिए तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटे लेकर। अपनाना का मतलब होता है बेटा, और ये कारपोरेशन की पर्ची नहीं, कुरान की आयत। मिसाल है, डूबते पर तिनके का सहारा हो, लेकिन कश्ती की दुश्मनी इतना जिद्दी बना देती है कि बंदे को पता भी होता है कि घर खो रहा है, फिर भी कश्ती पर नहीं चढ़ता। नबी ने फरमाया, मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। लोगों को पता है कि अली की दुश्मनी से जहन्नमी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मोहब्बत अहले बैत नहीं करते। और यहां रोककर एक बात और भी, हमारे बारे में आम आवाम का तासुर ये कि ये अहले बैत से बड़ा प्यार है, बिल्कुल करते हैं। आइए कुरान से पूछे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर कुरान ने नहीं कहा तो हम गलत करते हैं, और अगर कुरान ने सिर्फ अहले बैत ही की मोहब्बत का हुक्म दिया हो तो फिर मैं क्या करूं। सूरह शोरा में इरशाद है,
सिवाय इसके कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अब ये आयत न हो फिर तो हम गलत हैं, और अगर आयत करे कि मोहब्बत करो तो सबको मोहब्बत करनी चाहिए अहले बैत। हर मुसलमान को जो कुरान को मानता है वह अहले बैत से मोहब्बत करे। नहीं जी, आयत में तो आया है कि मेरे अपनों से प्यार करो, तो दूसरी आयत में रसूल ने नहीं कहा अपने बेटे लाओ मैं अपने बेटे लाता हूं। तो अपने बन के हसन हुसैन गए, अली और फातिमा गए, इसके अलावा कौन गए? तो शाबई ने गिरामी, हुसैन पैगंबर का बेटा, रसूल खुदा के बेटे हैं, अजरू कुरान हसन और हुसैन। नूह के बेटे को कुरान ने वल्दियत से निकाल दी, अली के बेटों को कुरान ने हसन और हुसैन का बेटा कह दिया। अब जो हसन हुसैन को रसूल का बेटा ना माने वो मुनकर कुरान है। ये आयत कुरान की है कि हसन और हुसैन रसूल के बेटे, इनकार करने वाला काफिर, क्योंकि कुरान का मुनकर काफिर। काफिर वो नहीं जिसे कोई दीवार पर काफिर लिखे, काफिर वो है जिसे कुरान काफिर लिखे, क्योंकि दीवार वाला मिटाया जा सकता है, कुरान वाला कोई नहीं मिटा सकता। तो हुसैन का पहला रुतबा और मकाम ये है कि वो हमारे नबी का बेटा। कौन है हुसैन? जब दुनिया में आया तो पैगंबर को इतला हूं कि हुसैन आए, मेरे मन में बताया ख्वाजा हसन निजामी अहले सुन्नत है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि पैगंबर हुसैन के आने का सुनकर मस्जिद से फातिमा जहरा के घर इतनी तेजी से दौड़े कि जितने शौक से मुर्शद तूर पर अल्लाह को देखने नहीं जाता था। अब आए पैगंबर, सहने फातिमा के भोसे ले रही थी, पैगंबर के दोनों बाजू तौहीद के परचम बन के लहरा रहे थे, मरचल बहरेन के दांतों की चमक, दिल में उजाला फैला रही थी। आज रुए कुरान इमाम हुसैन पैगंबर के बेटे हजूर आए और हुसैन को उठाना चाह, उम्मे ऐमन हजूर अलैहिस्सलाम के वालिद की कनीज थी और अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम वालिद पैगंबर के विरासत से हजूर के पास आए। इस जिक्र पर एक दफा फिर तवज्जो चाहता हूं, जो सीरक साहिबान इल्म जो स्तजूर हक वाले बैठे उनके लिए फिक्र करता हूं। उम्मे अहमद कनीज थी जनाब अब्दुल्ला, जनाब अब्दुल्ला की विरासत में हजूर के पास आई थी, और इसीलिए बीबी फातिमा फदक की गवाही में इसे लेकर गई थी कि तुम कहते हो नबी न वारिस बनते हैं न बनाते हैं, तो मैं अहमद रसूल की विरासत में कैसे आ गए? जनाब फिजा को गवाह नहीं बनाया जहरा ने, हालांकि वो भी मौजूद थी, उम्मे सलमा नहीं बनाया हालांकि वो भी मौजूद थी, गवाह बनाया जनाब उम्मे अहमद को। खुशी के मौके पर गुस्से वाला बंदा भी हंस पड़ता, कौड़ा बंदा भी हो गए वो खुशी के मौके पर अगर गुस्सा करने लगे तो बंदे उसे कहते हैं चल छाप खुशी का मौका, और कौड़ा नहीं रहमत अल अमीन है जिसे सारी दुनिया मीठा मोहब्बत मानती है, और आमद थी हुसैन की खुशी का मौका था, और शरीफ लोग बाप के नौकरों में गुस्सा नहीं करते। उम्मे अहमद हजूर के बाप की नौकरानी थी और आई थी विरासत में पैगंबर के पास। अब तीन बातें इकट्ठी हो गई, खुशी का मौका था, रहमत अल अमीन था, बाप की कनीज थी। पैगंबर ने कहा लाओ हुसैन को पूछे दो, उन्होंने सिर्फ इतना कहा अभी नहलाया नहीं। खुशी के मौके पर बाप की कनीज पर पैगंबर रहमत को चला ला गया और छिड़क के कहा उम्मे अहमद जिसे खुद
एक दाता है दोनों को बराबरी नहीं की, तो किसी कमी की क्या औकात है, कहे नबी मेरे जैसा क्या मैं खादिम हूं, आपसे पहले कैसे रख सकता हूं। हजूर ने कहा मैं अल्लाह से पहले कैसे रख सकता हूं। जिब्राइल आए कहा कि अल्लाह ने इनका नाम हुसैन रखा, नाम अल्लाह ने रखा, है रसूल का बेटा, चलो इमाम ना मानो, अल हसन और हुसैन सैयदा सवाब अहले जन्नत, जन्नत के जवानों का सरदार है। और नबी किसी को रिश्तेदारी की बुनियाद पर ओहदा नहीं दे सकते, और वहां रिश्वत नहीं चलती। वाले पुल्ले दराजात निम्बावन हर एक का रैंक कुरान ने कहा उसके अमल के बराबर, हर जन्नती से बड़ा अमल है हसन और हुसैन का। आदम जन्नती है, हुसैन सरदार है, नूह जन्नती है, हुसैन सरदार है, इब्राहिम जन्नती है, हुसैन सरदार है, मूसा जन्नती है, हुसैन सरदार है, ईसा जन्नती है, हुसैन सरदार है, सहाबा जन्नती है। लेकिन जाएंगे हुसैन की रियाया बैठकर, क्योंकि सरदारी हसन हुसैन की कत्ल किसने किया? लोग कहते हैं शियों ने, अगर शिया कत्ल करते तो हुसैन के कातलों पर शिया लानत न भेजते। और अभी भी किसी को शक हो तो हम चौक में कहते हैं हुसैन के कातलों पर लाने। मौलवियों की शक्लें देखो ये नारा सुनने के बाद, कत्ले हुसैन की इंक्वायरी मुश्किल नहीं है, बंदे में थोड़ी सी गैरत होनी चाहिए। पीपल पार्टी की हुकूमत आई है, उन्होंने भुट्टो साहब का केस निकाल के रख दिया, हालांकि पुराना केस है। कहा 77 कहा 2011 उनका करो इंक्वायरी। मुसलमान में पीपल पार्टी जितनी गैरत भी नहीं है, अपने रसूल के बेटे के कत्ल की इंक्वायरी नहीं करते। अगर कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हो तो पता करो तुम्हारे नबी के बेटे को किसने कत्ल, क्योंकि हुसैन के कातिल यहूदी नहीं थे, हुसैन के कातिल ईसाई नहीं थे, हुसैन के कातिल हिंदू नहीं थे, क्या कहलवाते थे? मुसलमान। अब पता चला दो तरह के मुसलमान हैं, हुसैनी मुसलमान, यजीदी मुसलमान, पानी पिलाने वाले मुसलमान, पानी बंद करने वाले मुसलमान। देखिए एक्सीडेंट और होता, मनसूबा और होता, एक्सीडेंट होता है जिसमें अचानक ड्राइवर को पता लगा, अचानक गोली चल गई, किसी को लग गई, एक्सीडेंट, सड़क पे एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर की मरने वाले से कोई दुश्मनी नहीं थी तो सजाए मौत नहीं होती, सिर्फ होता है एक्सीडेंट। अगर 10-12 बंदे भी इकट्ठे होकर किसी को कत्ल तो ये होता है मनसूबा, फिर पता करना चाहिए कि हथियार किसने दिया, रात कहां रहे, खर्चा किसने दिया, बाद में लाश कहां लेकर गए, सर किसके पास लेकर गए, उसका रिएक्शन क्या था। रसूल का बेटा एक्सीडेंट से कत्ल नहीं हुआ, मनसूबे से साजिश के साथ उसे शहीद किया। चलो 9 लाख न भी हो लश्कर तो था, ये तो मानो कि लश्कर था, और उस लश्कर में यजीद की फौज का सरबराह खुद मौजूद था, CNC चीफ था उमर के साथ, और हर जंग में चीफ नहीं जाता, सिपाही जाते हैं, जनरल नहीं जाते, ब्रिगेड जाते हैं, मेजर जाते हैं, कर्नल जाते हैं, चीफ नहीं जाते। चीफ का जाना इस बात की गवाही है कि सारी फौज आ गई, और वो कहलवाते थे मुसलमान, हुसैन भी मुसलमान, यजीद भी मौलवी के नजदीक मुसलमान, तो आप कौन से मुसलमान हैं? आप हुसैन वाले हैं कि यजीद वाले? मैं आपसे सवाल नहीं कर, पूरी दुनिया से सवाल। सुकरात यूनान का कैरेक्टर, 3000 साल पहले उसे शहर से मार दिए, अफलातून,
सुकरात बुकरा इन सब का अंजाम ही जैसे सारी कत्ल ही है। सुकरात कत्ल कर दिया और यूनान वाले उससे बड़े मुतासर थे। ये जितने दुनिया के अंदर सोशल आबादियां इकट्ठे रहने का सिविलाइजेशन मोहल्ले बना के रहे इंसान, ये यूनानियों ने आइडिया दिया था हजारों साल पहले। वरना इंसान जंगलों में रहता था, पहाड़ों में रहता था, इर्द गिर्द पिछड़े हुए रहते थे, इकट्ठे होकर रहना इमरानियात, ये सोशलिज्म। इसके लिए जितनी भी लाइफ दी है वो यूनानियों ने, डेमोक्रेसी जमहूरियत वोटों से किसी को चुनो, ये यूनानियों का नजरिया। हिकमत को यूनानियों ने आसमान पे पहुंचा, वो तो हकीमों ने बखारत की और नुस्खे आगे नहीं बताए, हिकमत गुम हो गई, क्योंकि पीर और हकीम अक्सर बखील होते हैं। वो भी नहीं बताता, वो भी नहीं बताता, अगर किसी के पास कोई चीज आई दूसरे की बल्ले बल्ले ना हो जाए। तो अब तवज्जो चलता हूं, कब पर 3500 साल पहले हमारे नबी से भी 3500 साल कबल मसीह की बात, ठीक है। आज से 18 साल पहले यूनान की अदालत में मुकदमा दायर हो, वकील आए, जज बैठे, बहस हुई, अदालत ने फैसला लिखा हम सुकरात के कातिल को सजाए मौत देते। उनका सुकरात 3500 साल पहले की बात, अब तो उसकी कब्र की हड्डियों को भी पता नहीं, तुझे क्यों फैसला किया कि कातिल को सजाए मौत देते। उन्होंने कहा हम भी यूनानी हैं, वहां कातिल भी यूनानी था, मकतूल भी, पता कैसे चले कि हम किसके साथी हैं। हमने ये फैसला करके पूरी कायनात को पैगाम दिया है कि हम मकतूल के साथी हैं, कातिल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और मुसलमान उलमा ने तीसरी इसी से उनके बाद जब इब्राहिम को आग जलाने की तैयारी हुई, 9 मील के एरिए में आग लगाई ताकि खलील रहमान को उसमें फेंका जाए, हमारे खुदा को नहीं मानता, नमरूद को नहीं मानता, वो सारे एरिए में 9 मील तक लकड़ियां जलाई गई, आग की तपिश फैली। जब तपिश फैली तो इलाके के जानवरों ने भी इलाका छोड़ दिया तपिश की वजह से, घबरा के भागने लगे। लेकिन एक परिंदा तो होद होद वो आग की तरफ उड़ता हुआ जा रहा, जिब्राइल ने उसका रास्ता रोका, कहां जा रहे हो? जिब्राइल ने पूछा, होदोद ने कहा आप पूछा नहीं, कहां जा रहे हो? आप पूछा नहीं। जिब्राइल ने फरमा पूछती किस चीज से? कहने लगा पानी से। जिब्राइल ने कहा पानी कहां? कहता मेरी चोंच में। तवज्जो है या नहीं? 9 मील की आग है, 9 मील की, उसने कहा चाहे 90 मील की हो, उसने कभी कतरे से भी आग पूछी? उसने कहा पूछे या ना पूछे मेरा किरदार तो खुल जाएगा कि मैं इब्राहिम का साथी हूं, नमरूद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये तो सड़कों पे हम निकल आए हैं अल्लाह और उसके हबीब को यही तो बताना चाहते हैं कि या हुसैन कहने से यजीदियत मिटे या ना मिटे, हमारा किरदार तो जाहिर हो जाएगा कि हम हुसैन के साथी हैं, यजीद पलीद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा यजीद बेहया से कोई ताल्लुक। मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए तो यह हक, चूहे खाने के अंदर चूहा हो रहा और बाहर चूहा खाना लिखा हो इसे भी बर्दाश्त किया जा सके, लेकिन अंदर चूहा हो रहा हो और बाहर बोर्ड लगाते मस्जिद, शेख हाजी शराब पी के अमीर अल-मोमिनीन कहलवाता था, फुफी और बीवी में फर्क नहीं समझता था, मस्जिद नबवी में उसने घोड़े बंधवाए थे, खाने काबा पे उसने पत्थर फेंकवाए थे और कहलवाता था अमीर अल-मोमिनीन। अब आप सोचे अमीर ऐसा था तो मोमिन कैसे होंगे? हुसैन ने चूहे खाने के माथे पर लगा हुआ मस्जिद का भोग उठा दिया।
سردار افسوس کریں گے لیکن عدالت میں وارث جائے گا, وکیل وارث کرے گا, مقدمہ وارث لڑے گا, خرچہ وارث کرے گا. محمد کے دین پہ قبضہ ہونے لگا, وارث اٹھ کے کھڑا. اگر حکومت کے لیے جاتا تو عباس کی ضرورت تو تھی, زینب کی ضرورت نہیں تھی, اور نانے کا دین بچانے چاہتا. راستے میں ام المومنین ام سلمہ نے کہا بھی حسین جہاں دل کرے چلا جا, عراق نہ جانا. رو کے پوچھا نانی اما عراق کیوں نہ جاؤ؟ کہا آدھی آدھی رات کو تیرا نانا مسلح پہ رو کے کہتا تھا ہائے عراق. ماتا چون کے کہا نانی اتنے سچے نبی کی خبر ہے, غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ مخبر صادق کی خبر ہے, کیسے غلط ہو سکتا؟ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھتا ہوں, ایک بھی مسلمان ایسا نہیں اسے پتا نہ ہو کہ جب رسول سجدے میں تھے حسین پشت پر آ گئے. کیوں میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کیا حضور میں سر اٹھایا؟ کیا پیغمبر سر نہیں اٹھایا؟ اٹھا لیتے تو کیا ہوتا؟ حسین گر جاتا. کہاں گرتا؟ مسجد کی صف پر. سنی ہے تو سنی رہو, شیعہ ہے تو شیعہ رہو, قرآن کے متھے تو لگنے تو, مدینے کی طرف رخ تو کرتا ہے تو, مرنا تو ہے نا تو. شیعہ ہے چاہے سنی ہے, قیامت والے دن حضور کے سامنے جانا ہی تو نہیں. جب حضور کے سامنے جائے گا, اگر حضور نے تجھ سے پوچھ لیا کہ جسے میں مسجد کی صف پہ نہیں گرنے دیتا تھا, جب دوڑتے ہوئے گھوڑے سے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر گرا تھا, تجھے افسوس ہی کبھی نہیں؟ سڑک میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, بندے لگتے ہی کچھ نہیں, فوراً پہنچ جاتے. تیرے نبی کا بیٹا نہیں ہو, شیعوں کا بیٹا ہے, شاید تو تیرے نبی کا بیٹا. زبان چساتے تھے, سینے پہ لٹاتے تھے. بازار سے گزرے, ایک استاد طالب علم کو مار رہا تھا, اس کی کسی غلطی کی وجہ سے اس بچے کے رونے کی آواز بازار میں آ گئی. حضور دوڑ کر اندر چلے, اس بچے کو چپ کرائے, استاد سے کہا آج کے بعد اس بچے کو نہ مارنا, اس کی آواز میرے حسین سے ملتی. صحابہ کرام کے بچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دوڑ کے آتے تھے اور پیغمبر کے ہاتھ چومتے تھے, حضور کے پاؤں چومتے تھے, لیکن ایک بچے کی طرف حضور دوڑ کے جاتے تھے, اسے اٹھا کے چومتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, ہر صحابی کا بچہ آپ کو چومتا ہے اور آپ اس بچے کی طرف کیوں آتے؟ کہ یہ حبیب ابن مظاہر ہے, یہ میرے حسین کا دوست ہے. حضور فرماتے ہیں خدایا اس سے محبت کر دو, حسین سے محبت کر. خدایا اس سے دشمنی کر دو, حسین سے دشمنی کر. پارٹیشن سے پہلے, قیام پاکستان سے پہلے, امرتسر کے اندر ایک سکھ تھانے دار, بڑی توجہ, سکھ تھانے دار, اسے بتایا انہوں نے کہ دسویں محرم کو یہاں سے سید گھوڑا نکال دیں, کچھ لوگوں کو گھوڑے سے دشمنی ہے تو وہ نہیں نکال لیں. اس جگہ میں دیکھنا, اس نے اپنی فوج کو تعینات کیا, بندے کھڑے کیے اور صورتحال کا جائزہ لینے گئے, اور اس نے اپنا گھوڑا کھولا اپنا, اور گھوڑے کو یوں پکڑ کے پسٹول لے کے باہر نکلا. کسی بندے نے کوئی اعتراض نہیں, وہ چلتا رہا, پھر ادھر آیا, پھر انتظامات کا جائزہ لیتا رہا, کہیں سے کوئی پتھر آئے, کہیں سے کوئی مخالفت آئے, کسی نے مخالفت کی نہیں. شیخ نے اپنا گھوڑا باندھ لیا, کہا جلوس لے آؤ. سول جناح نے پہلا قدم رکھا, چاروں طرف سے پتھر لوگوں نے اٹھائے. شیخ کہتے رک جاؤ, میں اصل حقیقت سمجھ گیا ہوں, یہ گھوڑے کے دشمن نہیں, یہ حسین کے دشمن. گھوڑے کے دشمن ہوتے تو میرا گھوڑا بھی تو پھرتا. شیعہ ہر گھوڑے کو چومتے, اس کو جس سے نسبت ہو حسین سے. بندے کہتے ہیں جی گھوڑا نہیں بنانا چاہیے, شبیہ نہیں بنانی چاہیے. تیرا نبی شبیہ بناتا حسین کے, اپنی زلف پہ پکڑواتا. یہ تو کھینے والی کی گلیاں ہیں, نبی مدینہ کی گلیوں میں حسین کو لے کے پھرتا. وہ گھر مبارک ہے جس کے سامنے سے جلوس گزرے, اس گھر پہ اللہ رسول راضی ہوگے جس کے دروازے سے رسول گزرے. تم تو مسلمان ہو, قرآن کی قسم.
قسم میں نے غیر مسلموں کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ جب زوجہ نہ آیا ادھر ہندو عورتیں غیر مسلم عورتیں دودھ کی بالٹیاں لے کے کھڑی ہوتی اور زوجہ کے پیروں پر دودھ پھینکتی تم میں سے پیار نہیں کرتے تم وہ جو قربانی والا ہوتا ہے کیونکہ تم میں شمیل ہے اس دمبے کی یاد ہے جو اسماعیل کی جگہ آیا تھا اس کی وجہ سے اسماعیل کا احترام ہے اس کی وجہ سے ابراہیم کا احترام ہے ابراہیم کی وجہ سے اسماعیل پیارا لگتا ہے اسماعیل کی وجہ سے دمبا پیارا لگتا ہے دمبے کی وجہ سے شمیل پیاری لگتی ہے ایک مسلمان دکھاؤ خدا کے نام پر جتنی میری بائیں بہنیں بیٹھی ایک مسلمان پوری کائنات میں دکھاؤ جسے زوجہ نہ دیکھ کر حسین یاد نہ آتا تو حسین سے تمہیں رسول یاد نہیں ہوتا اپنے نبی کے بیٹے کا رب بنا جو نہیں رو سکتا روٹے والوں جیسی شرط دو لگتوں کے لگتوں کا کوئی مر جائے بندے رونے والی شکل بنا کے کہتے ہیں افسوس ہوا کل کا دن آ رہا ہے بے شک تیرا مذہب کوئی بھی ہو کلمہ تو مصطفیٰ کا پڑھتا ہے ایک دفعہ تو مدینہ منور کے کہہ دینا یا رسول اللہ بڑا افسوس ہوا اتنا کہنے سے کوئی کافر ہو جائے انسانیت سے تعلق ہے افسوس افسوس کا تعلق صرف اور صرف انسانیت سے انسانیت ہو تو بندے کو افسوس ہوتا ہے انسانیت ہو تو بندے کو غم ہوتا ہے اور جس کی شہادت میں پڑھ رہا ہوں میر حدیث کا شعر ہے دنیا میں سب سے چھوٹا لفظ افسوس کا سب سے چھوٹا لفظ وہ ہے کی ہوئے ہو جتنے حضرات بیٹھے ان کو علم ہمسائے کے گھر سے آدھی رات کو غیر معمولی آوازیں آئے لو بندہ پوچھ لے کی ہوئے سڑک پہ گزرتا بندہ گزرتا ہوا رک کے بیچ سکتا بندہ روتا کھڑا ہو وہ جاتے جاتے پوچھ لے کی ہوئے اس کو اردو میں کہتے ہیں کیا ہوا سب سے چھوٹا لفظ کوئی کسی کو بھی کہہ دیتے کیا ہوا میرے نبی فرماتے ہیں حسین آخری وقت میں فرما رہے تھے عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا لاکھوں کی فوج نے تیرے نبی کے بیٹے سے پوچھا ہی نہیں حسین تیرے ساتھ ہوا نہیں ساری دنیا کہتی ہے حسین نے علی اصغر کا خون چہرے پہ مارا علی اصغر کے خون کو چہرے پہ پڑا میں فکر بدل کے پڑھ لوں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے غریب نے اصغر کے خون سے آخری نماز کے لیے وضو کیا خیمے کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے یا زینب ہو یا ام مرسوم زینب میرا آخری سلام چار چھ لائنیں پڑھتا ہوں جا جا امام حسین کے دربار میں بیٹھے اللہ کی کائنات کی قیمت کی چھ لائنیں کسی کو سمجھ آ جائے گی ہائے کر دے گا عبادت ہو گئی اپنے رونے کے لیے پڑھتا ہوں انیس فرماتے ہیں اس وقت تھا عجب شہدی پر ہجوم یاس ایک مجوسی گئی مجوسیاں کٹھیاں ہو کے ہجوم کر گئی اس وقت تھا عجب شہدی پر ہجوم یاس ٹھنڈا وہ دوپہر کا وہ گرمی وہ لو وہ پیاس لاشیں پڑے ہوئے تھے عزیزوں کے آس پاس لاشیں پڑے ہوئے تھے عزیزوں کے آس پاس رو کے فلک کو دیکھتے تھے شاہ حق شناس اٹھتا تھا درد دل تو قدم لڑ کھڑاتے تھے فرما کے یا علی یہ ولی بیٹھ یا تو بہن کو جا کے بلا بس کہا بہنوں نے اندر بلا خیمے میں بیویاں اکٹھی ہو آخری ملاح کشتی چھوڑ رہا تھا لاب سمجھ میں آیا تھا آخری ملاح کشتی چھوڑ رہا تھا بھائی کریم آیا بہن کہتی ہے ذرا گردن سے کپڑا ہٹا حسین نے کپڑا ہٹایا خوش ہونٹوں سے میری بیوی ہے حسین کا گلا چومنا شروع رو کے کہتی ہے میری بہن کیا کر رہی ہے آوازیں اما نے وصیت کی تھی جب حسین آخری سلام کو آئے تو میری طرف سے اس کی گردن چوم لینا
करीब रो के कहते तूने जो माँ की वसीयत पूरी की है हाथ इधर कर मैं बाबा की वसीयत पूरी करूं। करीब ने बहन की कलाइयों में बोसा दिया, रो के कहते बाबा ने कहा था जब जाने लगे तो रस्सियों वाले हाथों को मेरी तरफ से बोसा दे देना। गरीब बाहर निकला अन्नद्र इला जमीन इला शमाल, दुआ करो कभी कोई बादशाह कभी अकेला ना हो। कायनात का सबसे बड़ा बादशाह अकेला रह गया, न अकबर न अब्बास से न कसरत उन्नास से न अकबर रहा न गाजी रहा, आज कोई नहीं। गरीब की एक आवाज आई, मैंने सबको सवार कराया मुझे कोई सवार नहीं कराएगा। अजादारों खैमे का पर्दा उठा, बुरके वाली बहन बाहर निकली, रो के कह दिया घबरा नहीं ज़ैनब आदर है। ज़ैनब आदर है मेरे गरीब मौला का जुल जनाब सामने आए, ये कसुल जनाब सजा हुआ जुल जनाब सजा हुआ। एक फिकरा कहा है दर्दमंदो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हो सकता है सुन्नी भी लोग पढ़े इस फिक्र रो के फरमाते मेरा गाजी तो रहा कोई नहीं। जो जना किसने सजाया अब आद मौला रुकैया ने, बहन और भाई की वफा पे सबके गाजी की बहन जनाब रुकैया ने। हुसैन करीब आए रुकैया का माथा चुमा, सीने से लगा के कहा रुकैया जो जना सजाना मर्दों का काम है, तुझे किसने बताया सीन कैसे लगते हैं रकाबे कैसे कसते। रो के आवाज आई मौला कल रात मेरे खेमे में गाजी आया था, जो जना को साथ ले आया था, कभी सीन लगता था मैंने तुम्हें दुनिया के किसी को मैंने बुलाया, कभी सीन लगता था कभी सीन उतारता था। मुझे कहते थे रुकैया फातिमा की औलाद में मुश्किल बन गई है, मेरे पास सैयदों का पास तू है। शब्बीर घोड़े पे सवार हुआ, मेरे बाला ने खून से भरे हुए हाथों से बागे उठाई, सुलझना को एड़ लगाई, सुलझना ने चलने से इनकार कर दिया। गरीब कहते थक गए सुलझना, अब आदि थका नहीं, जरा मेरे पिछले पांव की तरफ देख। हुसैन ने मुड़ के देखा, चार साल की सकीना छोटे छोटे हाथ सुलझना के सुबह बना के रो के कहती मेरे पापा को न ले जाओ, हमारा कोई नहीं रह गया। मुझे मेरे भाई ने कहा कि मैं हुसैन की मुकम्मल शहादत हूं, अल अमान वल हफीज, कुरान की कसम कोई नहीं पढ़ सकता, असली शहादत सिर्फ एक जाकिर पढ़ सकता है पूरी दुनिया में, वही जाकिर जो पर्दे में बैठ के 1200 साल से खून बह रहा है। जुलजनाह से उतरे, सकीना को गोद में उठे, सकीना सकीना जा फूफिया कहे सो जा, जा फूफिया कहे सो जा, शाम के जिंदान में सब्र कर। रो के बाद बाबा मुझे छोड़ के ना था, हर वो बंदा समझेगा जिसके दिल में बेटी की या बहन की मोहब्बत है। रो के वाले सकीना मैंने तुझे तहज्जुद की नमाज में मांगा, आधी आधी रात को मैं नबी की मस्जिद में रसूल की कब्र के पास दुआ मांगता था, खुदाया मुझे एक बेटी दे बिल्कुल अम्मा जैसी, वो मुझे उतना प्यार करे जितनी अम्मा नाने को करती थी, मैं उसे उतना चाहूं जितना नाना अम्मा को चाहता था, वो मेरे बगैर न रह सके मैं उसके बगैर न रह सकूं। सकीना अल्लाह ने तब तुझे मुझे अता किया था, गरीब से जल्दी रो के कह दिया इतनी दुआओं से तो मांगा था, फिर जंगलों में छोड़ के क्यों जाता है। अब आ रही अल्लाह ने पूछा था हुसैन कैसे पता चलेगा तुझे सकीना ज्यादा प्यारी है या मैं अल्लाह ज्यादा प्यारा हूं। मैंने कहा था मालिक तस्वीर मुहर्रम को अपना और सकीना का प्यार तोड़ लेना, ये जंगलों में रोती रह जाएगी, मैं इसे अकेला छोड़ के तेरी बार
बाबा बाबा करके निपट गई। आखिरी दफा सकीना ने शब्बीर की दाढ़ी को चूमा, हुसैन ने दुआ मांगी, खुदाया सकीना में नीम दाढ़ी फर। शब्बीर की दुआ खत्म हुई, सकीना सो गई। शब्बीर की दुआ खत्म हुई, बीबी सकीना सो गई। सोई बेटी को हुसैन ने बहन के हवाले की। अपने रोने के हो सकता है कोई बंदा उर्दू की वजह से ना रहा, चार सराय की के फिक्र पड़ता हूं। सकीना तो उठा के खड़े, सामने बीबी रबाब खड़ी है, सामने बीबी जैनब खड़ी। बीबी रबाब को देखकर इमाम हुसैन फरमाते, मेरा ठल बख्त साथ दिता ही, इस्लाम दी नेख कनीज है, ए चौशालां दी ज़हरा है, मेरे सीने दा तावीज है, नहीं हुक्म तेरे हाकिम दा परदेसी दी तजवीज है। तू ख्याल रखी तंग गलियां विच मेरे घर दी कीमती थी, मेरा ठले हुए वक्त साथ दिता ही। इस्लाम दी नेक कमीज है, ए चौशाला दी ज़हरा है, मेरे सीने दा तावीज है, नहीं हुक्म है तेरे हाकिम दा परदेसी दी तजवीज है। ख्याल रखी बंद गलियां विच, ख्याल रखी तंग गलियां विच मेरे घर दी कीमती चीज है। सकीना सो गई, हुसैन मैदान में आ गए। अब मेरी मिन्नत है हर बंदे के साथ, आले मोहम्मद की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, गलती से भी कोई बंदा अब हंसने की कोशिश न करे, चाहे उसका ताल्लुक किसी मजहब से भी हो। इस वक्त अगर किसी को रोना ना आए तो बेशक नजर छुपा ले। मैं गरीब की शहादत उज़्मा के दो फिक्रे पड़ता हूँ, घोड़े पे बैठ के गरीब मैदान में आया। रावी कहते हाथ में ज़ुल्फ़िकार ली, ऐसे हमला किया जैसे भूखा शेर बकरियों के गले पे हमला करता है। लड़ते जाते थे, कहते जाते थे, तूने मेरे अकबर को मार दिया, तूने मेरे कासिम को मार दिया, तूने मेरे आले मोहम्मद को मार दिया। कई कई दफा लड़ते लड़ते मुड़ के कहता था, सोती रही, गरीब घोड़े पर आ सकी न सोती रही,
کشتی نہ جاتی ٹوٹی اما میرا بابا کا ہے آواز 9 لاکھ دشمنوں نے گھیر لیا اجازت دے میں بابا پہ چلے جاؤں آواز شیطانی گھر سے باہر نہیں نکلتی روتی کا پھوپھی اما دادی زینب بھی تو اپنا بابا بچانے گئی تھی آواز ان کو کافروں سے بچائی تھی یہ تو کلمہ پڑھنے والے منافق ہیں شکینہ بھائی اجازت ملی 4 سال کسی کے ذاتی میدان میں آئی یہ فکر سننا چاہے سنی ہو چاہے شیعہ سامنے گھوڑے کھڑے تھے قطار باندھ گئے جب بی بی شکینہ کو رستہ نہیں ملا نا گھوڑوں کے سموں پہ ہاتھ رکھا گھوڑے موڑ کے دے ایک دوسرے سے اپنی زبان میں کہتے ہیں اولی الامر کی بیٹی ہے راستہ دے دو کربلا میں حیوان انسان بن گئے تھے حیوان انسان بن گئے تھے انسان حیوان بن گئے تھے 4 سال کی بی بی شکینہ نے ایک شامی سے پوچھا یا شیخ حل رائت ابھی تم نے میرے بابا کو دیکھا تم نے میرے بابا کو دیکھا اگر کسی بھی بندے سے آ کر کوئی پوچھے کہ ناصر عباس کہاں ہے تو ہاتھ سے اشارہ کرو گے کیوں میرا سر سارے مسلمانوں سے میرا سر کوئی پوچھے کہ ناصر عباس کہاں ہے تو ایسے اشارہ کرو گے شکینہ نے پوچھا میرا بابا کہاں اس کتی کے بچے نے ہاتھ سے اشارہ نہیں دیا اس نے کمان میں تیر جوڑا شبیر کا نشانہ بنایا تیر مار کے کہتے وہ کو تھر دے رہا بابا بابا کر کے شکینہ دوڑی تیر شکینہ سے پہلے پہنچ گیا رو کے کہہ دیا معاف کری بابا نہ میں تیرا پتا پوچھتی نہ جاؤ والا گاڑی چلانی ہے سلامت رکھے ہائے کر کے رو حسین کو ہائے کر کے رو لو حسین کو ہائے کر کے رو لو حسین تو ماتم کر کے شکینہ پہنچی ادھر اللہ کا عرش ہلانے والا شبر کمینہ پہنچ گیا غریب سجدے میں پہنچا وہ ظالم کس طرح سے آیا 40 سال شبر والا صدر ہی شمر حسین کے سینے پر سوار ہو گیا وہ کب جب تو شیار اس نے حسین کے پالے